वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करो। सेकंड्स मिनट्स में रात को भी अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ रिगार्डिंग द एडवांस बुकिंग एज वेल एज, और कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ 4 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख, कोई 10 लाख बोल रहा है वो सब बोल के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल है नेशनल चेंज में 2.5 हुआ है एंड ओवरऑल इंडिया के अंदर इसका एडवांस बुकिंग 6 लाख के पास आसपास में, 580 के आसपास में। तो बहुत लोग ये मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्या एडवांस बुकिंग डिप हो रही है, भाई एडवांस बुकिंग बड़ी डिप मार रही है, ये कर रही है वो कर रही है। ये अपने लोग ही है, ये हमेशा इनका रोना, हमेशा ये रोते रहेंगे, ये रोते भले वो हजार करोड़ हजार के बाद मैं तो सबसे बड़ा शाहरुख खान फैन हूं, ये हजार के बाद ये सब सक्सेस के बाद ये लोग करते हैं, बट कुछ भी अगर इधर उधर होता है ना ये रोना चालू कर देते, एकदम रोना मनुष्यत फैला देते एकदम। तो एज ऑफ नाउ जवान का मैंने जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था एडवांस बुकिंग उसी दिन बोला था कि कल या परसों ये डिप मारेगा। उस टाइम पे तू तो डिप मारेगा बोल रहा है। अरे भाई यूट्यूबर ना व्यूज ज़्यादा उतने नहीं आते लेकिन ये बहुत है, तभी यहाँ पर बैठकर बराबर से अपडेट देता हूँ, बहुत लोगों को पता है वो चीज़। तो डिप हुआ है एंड दैट डिप इज नथिंग टू वरी, वो कॉमन है, वो होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये 7 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, 7, 6, 5 ये 3 दिन ना ये डिस्ट्रक्शन करेगी, डिस्ट्रक्शन। क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि अभी तक जो बुकिंग ओपन हुई है ना, एडवांस बुकिंग जो खुली है वो सिर्फ और सिर्फ 60% खुली है, वो 60% खुली है, 60%। मैं फिर से बताता हूँ, 60% एडवांस बुकिंग खुली है चेन्नई में के अंदर ही, 60% 50% एडवांस बुकिंग, 50% और खुलना बाकी है, वो आज शाम को या तो कल सुबह या कल दोपहर तक वो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उसके बाद जो तमाशा होगा, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन ये फिल्म करेगी, उसके बाद जो शाहरुख खान बताएगा कि एडवांस बुकिंग किसको बोलते, तो वो देखकर मतलब ये लोग फिर पलटी मारेंगे, ये मनुष्यत फैलाने वाले लोग फिर पलटी मारेंगे, फिर हाँ एडवांस ए तुम्हारा बाप आ गया, ये जाके दूसरे को उंगली करेंगे ये जाके। अरे तो आराम से बैठो, तुम लोग व्यूवर्स हो, तुम लोग बैठकर ऑडियंस हो, ऑडियंस देखने वाले हो, तो ज़्यादा इतना कुछ मनुष्यत फैलाने का, इतना हंगामा करने का नहीं, आराम से बैठो। उसने अपने कमबैक का अनाउंस 2023 में ही कर दिया है, वो कमबैक है, और पठान का रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा, ये मतलब ये ऐसा हो गया कि पत्थर की लकीर हो गई है। वो 57 करोड़ किया ना वो डे वन, वो टूटेगा ही टूटेगा, वो टूटेगा ही, वो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा अगर वो कलेक्शंस वो नंबर्स नहीं टूटेंगे तो। ये 60 to 65 सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर मारेगा, ये 60 to 65 सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर ओपनिंग डे के अंदर मारेगा, और तमिल अगर तेलुगु से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है, डबल डिजिट में भी सपोर्ट आते हैं, तो बस खत्म हो गया ना, 70 करोड़ का ओपनिंग ले लेगा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अगर वो जो लेवल का ओपनिंग दिया था एडवांस बुकिंग में वो लेवल से ज़्यादा और स्पीड पकड़ लिया लास्ट के 3 दिन के अंदर, तो फिर तो डिस्ट्रक्शन है भाई, फिर तो तमाशा नहीं, फिर तो भौकाल होने वाला है, फिर तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो एडवांस बुकिंग अभी सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% ऑल ओवर इंडिया में खुली है, 30 से 40% एडवांस बुकिंग अभी भी बाकी है खुलना। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, चेन्नई के अंदर ही एडवांस बुकिंग 40% खुली नहीं। मैंने खुद पीवीआर वालों से 2 दिन पहले बात किया कि 9 बजे का शो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 बजे का शो आ रहा है, वो बोल रहा है कि 5 तारीख 4 तारीख को हम लोग अपडेट करेंगे। तो इसका मतलब अभी तक नहीं खुला है, इवन नेशनल चेंज में भी नहीं खुला है, ये खुलेगा, कल तक खुल जाएगा, नो इशू नो डाउट, तमाशा हो जाएगा। तो वीडियो सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर दबाओ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो से, तब तक के लिए।